Hello and very good afternoon to one and all. This is Dr. Rakesh Singh Paraste, Assistant Professor of English from Swami Vivekananda Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh, India. And welcome to all to my YouTube academic channel. So, आज मैं आपके सामने ये जो बहुत ही important poem और chapter के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है, एक poem है, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही famous, world famous poem है, Where the Mind is Without Fear, which is written by one of the most prominent and important famous writer, famous poet, Rabindranath Tagore. You all of you know that who is Rabindranath Tagore. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ये जो BA, BSc और BCom first year में English language foundation course का यह syllabus है, और सभी as you know very well that now at this present scenario due to coronavirus, all the universities and colleges are conducting online classes, and we also providing you the study materials and we also conducting online classes. Okay, तो ये मेरा एक मतलब सोच है students के लिए, student के हित के लिए कि वो घर बैठे इसको अच्छे से study कर लें, क्योंकि उनके पास study material भी अभी नहीं है. तो निश्चित रूप से यह जो video है यह आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी. इसको last तक देखिएगा और इस video को और मेरे channel को subscribe कीजिए, so that you can find all the study materials as per your syllabus. Okay, और यूनिट वाइज चैप्टर वाइज आपको इसमें मिल जाएंगे. तो आज हम चलो शुरुआत करते हैं इस पोयम के बारे में, जो कि वर्ल्ड फेमस पोयम है. आप अंदाजा लगा सकते हैं वर्ल्ड फेमस है, तो बहुत ही 10-15 लाइन की, लेकिन वर्ल्ड फेमस पोयम है, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम. ओके, सो लेट मी स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन. यस, तो ये आपका सिलेबस है ना. ये सिलेबस आपकी जो फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, जो आधार पाठ्यक्रम हिंदी में बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स, जो कि बेसिक है, सबके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ये. तो इसमें आपका जो 35 मार्क्स का जो क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, जिसमें 5 मार्क्स आपका इंटरनल होगा सीसीई, और 30 मार्क्स का आपका ये जो पूरा थ्योरी पेपर होगा. ओके, एंड योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इंटू 5 मेन यूनिट्स, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. एंड यूनिट फर्स्ट यू विल स्टडी अबाउट सम पोएम्स, सम शॉर्ट स्टोरीज एज लाइक दैट. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर फर्स्ट पोएम, वेयर द माइंड इज Without Fear, which is written by Rabindranath Tagore. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के जो ये 5 लेसन्स हैं, ये 5ों लेसन्स को आप अच्छे से तैयार रखिएगा, और इनके राइटर का, क्योंकि आपका जो यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो लगभग आपके 30-40% मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं. क्या पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि हु इज द राइटर ऑफ द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और यू हैव 4 ऑप्शंस. ऐसे करके ये पूछा जाएगा कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर नामक कविता के कवि का क्या नाम है. आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन आर के नारायण, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन खुशवंत सिंह, ऐसे. ठीक है, तो आप उसमें, आपको यदि पता है तो तुरंत आप क्या लिख दोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहीं से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन्हीं लेसन, इन्हीं पोएम से पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट यूनिट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू. ओके, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट इन द सेकेंड वीडियो द हीरो, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, विच इज रिटन बाई आर के नारायण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी राइटर. ओके, एज वेल एज यू नो दैट एक और है मुल्कराज आनंद, और आर के नारायण तो फेमस स्टोरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ये इंडिया के. और थर्ड लेसन में यू विल स्टडी अबाउट ट्राइस्ट विद डिस्टनी, दैट इज अ स्पीच विच इज रिटन बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज विच वॉज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके, एंड फोर्थ लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने, और द सोलिटरी रिवर, विच इज रिटन बाय वन ऑफ माय फेवरेट रोमांटिक पोएट, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, एंड फ्रॉम यूनिट सेकंड से लेकर कि यूनिट फिफ्थ तक ये आपका ग्रामर कोर्स है. ओके, और ग्रामर कोर्स को हम बहुत डीपली से स्टडी करेंगे, क्योंकि ग्रामर कोर्स, एज यू नो दैट ग्रामर कोर्स इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज. इफ यू हैव गुड कमांड ओवर ऑफ ऑल दीज बेसिक स्किल्स, you have a good command over of grammar course, so you have no any kinds of problems in your examinations, either you are appearing in your main examinations or college examination or university examinations or any competitive examinations. Okay, English grammar is same. तो हम इन सारी videos को मैं अपने YouTube channel में provide आपको करूँगा. तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे आपके यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट लेसन, फर्स्ट पोयम के बारे में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ओके, तो इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे हम. पोयम का नाम है आपका वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. मैं डायरेक्ट यहाँ गीतांजलि लिख दिया हूँ, कंफ्यूजन मत होना. और मैं इस वीडियो में
क्योंकि स्टूडेंट जो है टोटल इंग्लिश में टीचिंग कराने में, इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग कराने में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिक्स करूंगा, फिर इंग्लिश में आपको इसका समरी बताऊंगा ताकि आपको यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस पोयम एंड अबाउट दिस स्टोरी। ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, हु इज रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, सो एज यू नो दैट डियर स्टूडेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट एंड फेमस पोएट ऑफ इंडिया, फेमस राइटर ऑफ इंडिया। ओके, हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। किसी भी भारतीय को सबसे पहले यदि साहित्य के क्षेत्र में यदि नोबेल प्राइज, जो विश्व का सबसे बड़ा सम्मान होता है नोबेल प्राइज, यदि वो मिला, यदि प्राप्त किया, तो प्राप्त करने वाले, नोबेल प्राइज से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को याद रखिएगा। उसको कब नोबेल प्राइज मिला? ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर इंडिया इन 1913। वंस अगेन आई रिपीट, 1913। किस बुक के लिए मिला था उसको? गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जिसमें 103 पोएम्स हैं। अब कैसे कलेक्शन? ऐसे कुछ भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स नहीं, वो देशभक्ति से ओत प्रोत, मोटिवेशनल से ओत प्रोत, जिसमें हम मतलब अपने देश के लिए कुछ कर गुजर जाए, ऐसे ओत प्रोत से भरी वो कविताएं हैं। तभी तो उसको मतलब नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज ऐसे नहीं दे दिया जाता, ठीक है ना? तो उसको किस बुक के लिए मिला, याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पर्सन हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर विच बुक? गीतांजलि। गीतांजलि वाज पब्लिश इन विच ईयर? 1912। गीतांजलि कब पब्लिश हुआ था? 1912 को। और मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बर्न इन वेस्ट बंगाल। कहाँ जन्म हुआ था इसका? वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ था। ओके, 1861 में वेस्ट बंगाल में इसका जन्म हुआ था। अब अंदाजा लगाएं आप कि डेफिनेटली ही रोट ऑल हिज वर्क्स, ऑल हिज बुक्स, ऑल हिज पोएम्स इन बंगाली लैंग्वेज। सबसे पहले उन्होंने जो जितने भी उन्होंने लेख लिखे, कविताएं, कहानियां, जो भी उन्होंने लिखे, वो बंगाली लैंग्वेज में ही था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में कई विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो डेफिनेटली रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो रोट ऑल हिज बुक्स, ऑल हिज पोएम्स इन बंगाली लैंग्वेज। तो कैन यू इमेजिन, यदि गीतांजलि बंगाली लैंग्वेज में ही रहता तो कैन वी अंडरस्टैंड बंगाली लैंग्वेज प्रॉपरली? नो, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बंगाली लैंग्वेज। ओके, क्योंकि बहुत सी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर खुद उन्होंने ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वर्जन, 1910 में बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुआ गीतांजलि, लेकिन उसी को वो 1912 में, 1912 में इंग्लिश वर्जन में पब्लिश किया, खुद ट्रांसलेशन करके, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके, ये याद रखिएगा। तो इंग्लिश वर्जन कब पब्लिश हुआ था? 1912 में। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। और जैसे ही इंग्लिश वर्जन पब्लिश हुआ, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल ओवर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कैन रीड एंड अंडरस्टैंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट पोएम गीतांजलि। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पोएम एंड वेरी वेरी पेट्रियोटिक मोटिवेशनल पोएम सॉ देयर, एंड दैट्स व्हाई द गीतांजलि वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज, एंड अल्टीमेटली रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। तो ये होती है इंग्लिश के वर्जन का, इंग्लिश ट्रांसलेशन का महत्व, ठीक है। यदि वो अपने लिमिटेड अपने रीजनल लैंग्वेज में ही रखता तो बंगाल तक ही सीमित रहता, लेकिन इंग्लिश वर्जन में पब्लिश होते ही पूरे विश्व के लोग पढ़े, समझे और जाने कि वाह कितना इंपॉर्टेंट इसका पोएम है, और उसको नॉमिनेट किया गया नोबेल प्राइज के लिए और उसको मिला। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पोयम बस इतना सा है, लेकिन इतना इसका कितना महत्व है। अभी आप लोगों को याद होगा कि पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, अमेजन के जंगल में, अमेरिका में जब अमेजन के जंगल में आग लग गई थी, तो वहां भी बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उस जंगल को, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और इनकी इन लाइनों को बोली जा रही थी वहां। अब बताओ कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और ये जो पोयम है ये कब लिखा था? जब उस समय लिखी गई थी ये पोयम, जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एट दैट टाइम वी वेयर अंडर हम किसमें थे? वी वेयर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय चल रही थी, ब्रिटिश शासन चल रहा था, वो गुलामी के जंजीरों में थे हम। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर इस भावना से इसको लिखे थे, गॉड को एड्रेस करते हुए, ईश्वर को एड्रेस करते हुए, कि हे प्रभु मेरे देशवासियों में ऐसी ऊर्जा लाइए, ऐसे उनके अंदर आत्मविश्वास जगाइए ताकि वो बिना कोई डर के रह सकें, सिर ऊंचा करके चल सकें, एजुकेशन सबके लिए बराबर हो, सच्चाई के रास्ते पे जा सकें, और हमारा देश स्वतंत्र हो सके, और स्वतंत्रता दिलाने में सभी भारतीयों का एक महत्वपूर्ण योगदान
संतान होत। तो ऐसे ओतप्रोत मोटिवेशनल लाइन से भरी हुई यह कविता है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईश्वर को प्रे करते हुए लिखा था, जिसका आज भी उतना ही इम्पैक्ट है जैसे कि मैं अभी आप लोगों के सामने बताया। तो मैं इसका लाइन टू लाइन आपको मैं इसका समरी बताने जा रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों, ताकि आपको समझ में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आइए स्टार्ट करते इस पोयम को। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर सेज दैट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। तो कोई भी व्यक्ति उस समय अपने माइंड से, अपने फ्री माइंड से कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो एट दैट टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर सेज दैट ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ही सेज दैट कि हम ऐसे देश में रहें, ऐसे स्वतंत्र देश में रहें जहां वेयर आवर माइंड इज विदाउट फियर, विदाउट एनी काइंड ऑफ फियरनेस। ओके, इट मीन्स दैट आवर माइंड इज फियरलेस। ओके, एंड आवर हेड, जो हमारा सिर है, इज हेल्ड हाई, वो कैसा होना चाहिए, गर्व से ऊंचा होना चाहिए। मतलब हमको ब्रिटिशर्स से डरना नहीं चाहिए, हमको अपने सिर को जो है गर्व से ऊंचा करके चलना चाहिए। एंड वेयर नॉलेज इज फ्री, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पोयम। ओके, जो आपके एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कि इस कविता में वेयर नॉलेज इज फ्री का कवि का क्या तात्पर्य है। ओके, व्हाट डज द मीन द टर्म वेयर द वेयर नॉलेज इज फ्री, तो आपको क्या लिखना है। द पोएट सेज दैट वेयर नॉलेज इज फ्री, इट मींस दैट नॉलेज शुड बी, एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल। ओके, नॉलेज शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन। मतलब कहने का मतलब यह है, एजुकेशन सबके लिए फ्री हो, सबके लिए ओपन हो, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जो है एडमिशन मिलना चाहिए, आइदर दे आर लोअर क्लास पीपल, आर मिडिल क्लास पीपल, आर हायर क्लास पीपल। इट मीन्स दैट एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर हायर क्लास पीपल, एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल द पीपल। क्योंकि उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स जो है, नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियन सही ढंग से एजुकेशन प्राप्त हो, अपर क्लास के लोगों को ही थोड़ा सा एजुकेट करते थे। सो दैट्स व्हाई रविन्द्रनाथ टैगोर सेज दैट एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल एंड इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। ओके, इट शुड बी इक्वल एंड ओपन फॉर ऑल। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, ये जो लाइन है ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बताया गया है। अभी भी आप देखते हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, पूरे विश्व में अभी एक दूसरे के उसमें लगे रहते हैं कि नहीं, मतलब सभी देशों को आपसी में टूटना नहीं चाहिए, सभी को, पूरा विश्व एक है। ओके, पूरा विश्व एक है, सभी एक इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी चाहिए, यानी पूरे विश्व को एक दूसरे से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। जैसे आतंकवाद जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ये ऐसे परंपरे नहीं देना चाहिए, सबको एकता के उसमें आने चाहिए। और हम जैसे डोमेस्टिक वॉल, घरेलू जो दीवार बना बना करके रखते हैं, जैसे आप इंडिया में ही बात करें तो इंडिया में जैसे जो भी 29 जितने भी अपने स्टेट्स हैं, है ना, तो सभी स्टेट्स को एक इक्वल उसमें रखना चाहिए। ये नहीं कि एक स्टेट को ज्यादा वो प्रमोट करना, दूसरे को कम करना, तो ऐसे नहीं, कहने का मतलब ये है। तो पूरे विश्व के लिए यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, ओके, इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ओके, मतलब सभी को जो है इक्वल रहना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, याद हो जाएगा आपको। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, इसमें दैट्स ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ओके, शुड स्पीक ट्रुथ, दे डोंट स्पीक लाई, है ना, वो सभी को सच्चाई बोलना चाहिए और सच्चाई से, गहराई से उनकी सच्चाई निकलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसानों को। वेयर टायरलेस, टायरलेस बिना थकान वाली स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स, मतलब सभी को जो है, मतलब एक पूरी मतलब मेहनत से सभी को काम करना चाहिए, ठीक है, आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। जो कि यदि हम टायरलेस स्ट्राइविंग करेंगे, निरंतर हम यदि कंटिन्यू, इफ वी आर कंटिन्यूसली टायरलेस स्ट्राइविंग वर्क्स, यदि हम कंटिन्यू हम यदि कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो किसकी तरफ ले जाएगा, हमको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। इट मीन्स दैट इफ वी आर वर्किंग हार्ड, वर्किंग स्मार्ट, सो डेफिनेटली वी कैन गेट आवर टारगेट एंड वी कैन फाइंड आवर परफेक्शन इन आवर वर्क्स। ओके, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, कभी हमको ये बताना चाह रहे हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यहाँ आप अंदाजा लगाओ
कवि क्या कहना चाह रहे हैं या एक कंपेयर करना चाह रहे हो, एक जो वाटर होता है, नदी होता है, नदी की धाराएं, क्लियर स्ट्रीम जो उसकी होती हैं, वो हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जो नदी बहती है ना, तो वो अपने अपने जो वो रहता है, उसका टारगेट रहता है, उससे भटकती नहीं है नदी, उसको चलना है तो निरंतर वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। सो दैट्स वाई अवर जो विजन होना चाहिए, अवर जो रीजन होना चाहिए, हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ऐसे ही होना चाहिए जैसे एक नदी की धारे की तरह निरंतर प्रवाहित करती रहे और हम मतलब अपने टारगेट से भटके ना। इनटू द ड्रायरी डेजर्ट्स एंड अपडेट हैबिट्स, और हमारी जो बुरी आदतें हैं उनको हमको जो एक कैसे हैं डेजर्ट की तरह हैं, मरुस्थल की तरह हैं, तो उनको हमको जो बुरी आदतें हैं, आपसी जो हमारी मतभेद हैं, उनको हमको वी शुड रिमूव अवर डेड हैबिट्स। ओके, और लास्ट स्टेंजम क्या है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू इवर वाइडनिंग थॉट इंडेक्शंस, अवर माइंड अवर थॉट्स ओके कैसा होना चाहिए, इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू इवर वाइडनिंग थॉट, अवर माइंड इज फुल ऑफ थॉट, अवर माइंड इज फुल ऑफ एक्शन एंड वी शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव थॉट्स इन अवर माइंड। ओके, Into that heaven of freedom. In the last line, poets जो है pray करता है God से into the heaven of freedom. और निश्चित रूप से हम यदि हम ऐसे करेंगे तो हमें स्वतंत्रता की जो मतलब एक heaven मिलेगी, एक खुशियाँ मिलेगी, ठीक है, वो हमें प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि उस समय यही था कि उस समय स्वतंत्रता, बस हम बोलते थे कि हम कब स्वतंत्र हों, एक डे ड्रीम था वो, दिन में स्वप्न देखने वाली बात थी, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कविता के माध्यम से कवि ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे अंदर ऐसे मोटिवेशन, ऐसे प्रेरणा जगाई जिसके माध्यम से अंदर से हमें एक जोश जुनून जज्बा जागने लगी कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। ओ माई फादर, माई फादर मीन्स गॉड को एड्रेस किया है रविन्द्रनाथ टैगोर कि हे प्रभु लेट माई कंट्री अवेक, है ना, जो भी मेरे कंट्री मैन हैं, मेरे देशवासियों को जगाइए, अभी जो सो रहे हैं, अभी जो गलत फहमी में हैं, उनको दूर करिए और देशवासियों को जगाइए। ये इस पोयम का सारांश है जो कि मैं आपको हिंदी में बताया। अब आपको जब समरी इसका लिखेंगे, समरी बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, दिस द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वर्ल्ड फेमस पोयम विच इज रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप बता दीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर गीतांजलि, एंड गीतांजलि वॉज पब्लिश 1912। ओके, एंड दिस पोयम इज पोयम नंबर 35, ये पोयम जो है गीतांजलि का 35वें नंबर का पोयम है, इसलिए 35 लिख दिया हूं मैं। ओके, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट इन दिस पोयम बिकॉज दिस पोयम ये जो लिखा गया है पोयम था किस टाइम में, ड्यूरिंग उस समय लिखा गया था जब हमारा देश अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल के उसमें था, उस समय लिखा गया था। सो द पोएट वांटेड टू अवेक ऑल द कंट्री मैन, ऑल द इंडियन पीपल, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट फॉर फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। ओके, एंड ही इट मीन्स दैट रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेड टू गॉड, ओ माई गॉड प्लीज लेट माई कंट्री मैन अवेक सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट फॉर फ्रीडम ऑफ आवर इंडिया। एंड ही सेज दैट इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा, ऑल द पीपल्स माइंड इज फियरलेस, इट मीन्स दैट देयर माइंड शुड बी विदाउट एनी काइंड ऑफ फियरनेस। ओके, एंड अवर हेड शुड बी हेल्ड हाई। ओके, एंड एजुकेशन नॉलेज शुड बी इक्वल फॉर ऑल, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू कॉस्ट creed, color and religion, it should be, education should be equal for all, education is not only for higher class people, it should be lower class people, middle class people as well as higher class people, it means that open for all. Okay, and the world people, all the worlds, all the countries should not be fight to each other. Okay, has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Okay, and whatever we say, whatever we speak, okay, it should be truth, we should always speak truth, we should not tell lie. Okay, and we should strive tireless works so that we can get our target, and that leads to perfection in our work. Okay, and our work should like the water. Okay, because water jo hai kya hoti continuously wo behti rehti hai, and water cannot lost their way, so that's why our reason, our thoughts, our works should be equal as water, and we should remove our
bad habits. Okay, and poet says in the last stanza, our mind is led forward by the into ever widening thought. It means that our mind should be we have a positive thoughts, positive action, okay, and so that and we can contribute for the freedom of our country. So in the last line, poet says that, oh my God, please let my countrymen awake so that they can contribute the freedom of our India and the India can get the freedom from Britishers. So this is the summary of this poem. ओके और जिसके बारे में आपको बताया था और ये जो पूरा मैं जिसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ ओके जिसके बारे में ऑलरेडी आप चर्चा कर चुके हैं गीतांजलि के लिए 1912 में पब्लिश हुआ था इंग्लिश वर्जन नोबेल प्राइज मिला 1913 को ओके और ये समरी जिसको मैं बता ही चुका हूँ व्हेन टैगोर कंपोज दिस पोएम हिज माइंड वॉज कन्फाइंड by the chance of slavery like any other common citizens of India because India was under the clutch of British rules at that time under the British rules at that time and freedom was definitely like daydreaming aisa tha ki us samay swatantra hame milegi nahi milegi ek din mein sapne dekhne wali baat thi so that's why Rabindranath Tagore wrote this poem so that jiske madhyam se hamare andar ek motivation jage hamare andar ek desh bhavana ki ho jage aur hum desh ko swatantra dilane mein apni भूमिका निभाएं ठीक है तो ये इसका समरी था और अब हम चर्चा करते हैं आपके क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ठीक है तो कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं याद रखिए तो आपके क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जैसे पूछ दिया जाएगा कि हु इज द राइटर ऑफ द पोयम या कि पूछ दिया जाएगा कि द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज बीन रिटन बाई यहाँ चार ऑप्शन दिए रहेंगे मैं एक एक ऑप्शन दे दिया हूँ तो इसके तुरंत क्या लिख देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर सेकेंड आपका क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर किस वर्ष उसको नोबेल प्राइज मिला याद रखिए 1913 को और यदि पूछ दिया जाएगा किस बुक के लिए मिला तो कहोगे गीतांजलि के जो कि 1912 में पब्लिश हुआ था ओके एंड थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वेयर व्हाट इज मीन्ड बाई द लाइन वेयर द माइंड इज विदाउट केयर एंड हेड इज हेल्ड हाई इट मीन्स दैट टू बी प्राउड ऑफ वंस हाई पोजिशन मतलब हमें अपने आप से सिर्फ गर्व से ऊंचा होना चाहिए ये आपका ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट इज मीन्ड बाय द लाइन वेयर नॉलेज इज फ्री तो वेयर नॉलेज इज फ्री का क्या मतलब है वही बताया मैंने नॉलेज इज इक्वल फॉर ऑल विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ये याद रखिए आपको बन जाएगा नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रिफर्स टू नैरो माइंडेड थिंकिंग और टैगोर कंपेयर से क्लियर स्ट्रीम जो है उसको किससे कंपेयर किया है रीजन से वाटर से ठीक है जो कि कभी आपने रास्ता भटकती नहीं है वैसे आपको होने चाहिए ऐसे ठीक है और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ याद रखिएगा आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ शुड नॉलेज बी हमेशा याद रखिए एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल इट शुड नॉट ओनली फॉर हायर क्लास पीपल इट शुड बी फॉर लोअर क्लास आइदर दे आर मिडिल क्लास और हायर क्लास सभी के लिए एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल इसको आप देख लीजिएगा आप जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाता है इसका बस समरी ध्यान रखिएगा राइट द समरी ऑफ द पोयम ठीक है ये आप लिख लीजिए जो मैं पूरा बता चुका हूँ आपको तो पूरे आप क्वेश्चन का यू कैन गिव ऑल द आंसर्स ऑफ द ऑल द क्वेश्चंस ओके तो डेफिनेटली ये जो वीडियो होगा आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हुआ होगा और मैं चाहता हूँ कि जरूर इसमें आपको सीखने को मिली होगी और मैं इसी तरह से यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा और मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए जैसे आप जाएंगे यूट्यूब में तो डायरेक्टली कि आप डॉक्टर राकेश परस्ती कर देंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा ये कि पूरे जैसे आप करेंगे कि www.youtube.com/c/DrRakeshParasthi ये करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा मैं अपने YouTube में आपको ग्रामर कोर्स के बारे में इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और इंग्लिश लैंग्वेज आपके सिलेबस के बारे में मोटिवेशनल स्पीच के बारे में हर चीज़ के बारे में वहाँ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो डालने में कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है ओके लेकिन मैं मेरा यह प्लानिंग है कि आई विल प्रोवाइड यू ऑल द स्टडी मटेरियल्स ऑफ योर सिलेबस ओके सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत सीखने को मिली होगी इससे और इसको उन सभी स्टूडेंट्स के पास फॉरवर्ड कीजिए शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा ताकि क्योंकि अभी आप लोगों की इस वर्ष ऑनलाइन स्टडी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो डेफिनेटली ऑनलाइन इसकी जो एग्जाम भी अब ऑनलाइन से ही अभी मतलब पूरे तो कह नहीं सकते लेकिन चांसेस ऐसा ही कि ऑनलाइन एग्जाम ही होगी तो डेफिनेटली मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के पास अभी स्टडी मटेरियल नहीं है इसलिए मैं ये मेहनत करके आज से जो संडे का दिन है लेकिन मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया सो दैट यू कैन स्टडी एंड यू कैन लर्न वेरी वेल फ्रॉम योर होम तो स्टे योर होम और इसको तैयार कीजिए सुरक्षित रहिए ठीक है और इसको तैयार कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू डियर स्टूडेंट थैंक यू
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना अपना ख्याल रखिएगा, ओके, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।